इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट में तेजी लाने के लिए भारत सरकार डेडिकेटेड इंश्योरेंस पोर्टल लॉन्च करने जा रही है। दरअसल नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज भारत सरकार की एक पहल है, जिसके जरिए हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम के निपटारन में सुधार करने और उन्हें अधिक ट्रांसपेरेंट और एफिशिएंट बनाया जाएगा। ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहां पर इंश्योरेंस होल्डर, हॉस्पिटल्स और इंश्योरेंस कंपनी को एक दूसरे से जुड़ने और इंश्योरेंस क्लेम को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जमा करने, प्रोसेस करने और निपटारे की सुविधा प्रदान की जाएगी। इस इंश्योरेंस कंपनियों को फ्रॉड क्लेम्स में पकड़ने में काफ़ी आसानी होगी। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के लॉस रेशियो में भी काफ़ी सुधार होने की उम्मीद है। इसके साथ ही पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी, जिसका सीधा फायदा पॉलिसी होल्डर्स को मिलेगा। इसके अलावा वे हॉस्पिटल्स के लिए भी काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि इन हॉस्पिटल्स की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसी के साथ ही हॉस्पिटल्स को क्लेम के रूप में पैसा रिइंबर्स भी किया जाता है, उसमें भी काफ़ी तेज़ी होगी। नेशनल हेल्थ क्लेम एक्सचेंज को लॉन्च करने के लिए काम काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और इसे जुलाई में लॉन्च करने की तैयारी है। अभी तक करीब 5,000 हॉस्पिटल और इंश्योरेंस कंपनी को इस एक्सचेंज के साथ लिंक कर दिया गया है। वहीं अभी तक इंश्योरेंस कंपनियों के पास अलग अलग पोर्टल है, जिसमें हॉस्पिटल, पेशेंट्स और दूसरे पार्टियों के लिए क्लेम का निपटारन करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार का ये पोर्टल शुरू होने से एक सिंगल प्लेटफॉर्म के जरिए हेल्थ क्लेम प्रोसेस होंगे और अस्पताल और इंश्योरेंस कंपनी भी इसे प्लेटफॉर्म पर चेक कर सकेंगे और इसमें क्लेम में प्रोसेस में तेज़ी आ सकेगी। भारत सरकार की इस नई पहल पर आपके क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए पैसा लाइव को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।